इधर पट्ट से हेडशॉट। नवरात्र चल रहा है आज की के व्हाट डिड आई से नवरात्र चल रहा है आज की के व्हाट डिड आई से टू रिलियन गेमिंग की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए ग्रैनी एस्केप वीडियो। अभी तक हम क्या ग्रैनी की फनी वीडियो ला रहे थे, एक दो अभी लाए थे, आपको उम्मीद है कि आपको वो अच्छी भी लगी होंगी, पर इस बार हम ग्रैनी की एस्केप वीडियो लाए हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें हम लोग हेलीकॉप्टर से एस्केप करेंगे। तो आप देखते रहिए, स्किप मत करना क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे और स्किप करके आप देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो चलते हैं आप लोग भाइयों, ये मेरे डायलॉग बहुत कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, चलते हैं चलते हैं भाई। चलो ठीक है, ना जाने ऐसे कितने दिन आते हैं यार, ना जाने ऐसे कितने दिन आते हैं पर इम्पोर्टेंट अपना एक एक पल है। ना जाने कितने दिन आते हैं इम्पोर्टेंट अपना अपना एक एक पल है। मेरे सिंगल दोस्तों गाड़ी उठाओ, चलो राउंड पे, बोलो आई एम फ्रॉम बजरंग दल है। चलो भाइयों, हमारे मास्टर वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी रखकर खुद मनाते हैं वैलेंटाइन डे। हमारे मास्टर वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी रखकर खुद मनाते हैं। इंट्रो की यार बहुत याद आ रही है, चलो इंट्रो चलाते हैं। आपने इंट्रो देख लिया, खत्म हो गया इंट्रो। आपने इंट्रो देख लिया, खत्म हो गया इंट्रो। वैलेंटाइन डे नहीं मनाया तो उसके लिए खेद है मेरे मित्रों। चलो चलो भाई, पता है मुझे आज वैलेंटाइन डे है पर आप शायद भूल गए होगे, आज एक और घटना हुई थी हमारे इंडिया में, उसे हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, पुलवामा अटैक, आप शायद भूल गए होंगे। तो ये बात है 14 फरवरी 2019 की, जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों जिन्हें हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, तो उनका एक काफिला निकल रहा था वाहन में, मतलब फोर्स वाली वाहन होते हैं जा रहा था। तो आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था जिसमें मतलब विस्फोटक कुछ रख दिया था, तो मतलब उसमें हमारे 45 जवान मारे गए थे। तो ये मत भूल जाना कि आज वैलेंटाइन डे है तो आप वैलेंटाइन डे खुश मनाते हैं। हमारे इस दिन 45 जवान भी मारे गए थे, तो उनके लिए हम कुछ देर के लिए दो सेकंड या 5 सेकंड का मौन धारण करते हैं। चलो उनके सम्मान में थोड़ा सा मौन धारण कर लिया है। और एक और कहानी है, हमारे इंडिया वाले कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो रहे हैं हर चीज़ों में, इसलिए उनको भी मैं बता देता हूँ कि वैलेंटाइन डे भैया कुछ और ही है। तो आप लोग वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, प्रॉमिस डे, फलाना ढिकाना डे सब कुछ बनाते रहते हो, तो ये कुछ अलग ही है। अब मैं इसकी भी कहानी में आपको बता दे रहा हूँ कि इटली से एक हमारे यहाँ पर संत आए थे। संत बोले तो एक बाबा, तो बाबा जी ज्ञान पेलने वाले वही बाबा जी तो आए थे। उन्होंने इंडिया में एक प्रथा देखी, प्रथा प्रक्रिया भी बोल सकते हैं बोलो, वो प्रक्रिया ये थी, उसे बोलते हैं बोलो मैरिज, शादी विवाह और आदि बहुत कुछ भी बोलते थे। तो उन्होंने देखा था कि ये शादी विवाह कैसे होती है, तो उन्होंने देखा ये इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो उन्होंने इसके फायदे देखे कि भाई लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे को मतलब साथ वर निभाते हैं। और ये इटली से आए थे, इटली में ये प्रथा नहीं चलती थी, क्या लोग भाई सब पूरा जीवन अपना किसी कपल के साथ नहीं, एक कपल के साथ निभाते थे, रहते थे छोड़ देते, फिर रहते छोड़ते, तो ये ऐसे चलता रहता था। तो उन्होंने इटली में जाकर शादी की प्रथा चलाई और फिर इससे देखा कि सोसाइटी में मतलब अच्छे मतलब नेचर्स होने लगे लोगों के, मतलब अब लोग अपने प्रति जिम्मेदार होने लगे, अपने कामों का अच्छे से ध्यान रखने लगे। तो उन्होंने, संत वैलेंटाइन थे तो उन्होंने ये प्रथा का चालू किया, पर इस बात से नाराज होकर वहाँ के एक राजा थे, तो उन्होंने उनको 14 फरवरी 269 ईस्वी में तो उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया, पर काफ़ी लोगों ने मानते भी थे। तो उन्हें मानने वाले लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे से मनाते हैं, पर हमारे यहाँ के कुछ चोचले हैं, हग डे, प्रॉमिस डे, लव डे, यानी ना यानी टेडी डे, ना यानी कितने डे मना दिए हैं, तो ये फालतू चोचले हैं, इन चीज़ों चोचले में ना पड़े। तो अब आप लोग अपने काम पे रहे भाई साहब, क्योंकि ये ना आपको ना कुछ दिला सकते हैं ना कुछ दिला सकते हैं, आपका फ्यूचर और बर्बाद करता है। आप बढ़िया सी नौकरी वोकरी देखिए, हमें क्या है, वैलेंटाइन डे तो आता जाता रहेगा। चलो अब भाई, चलो ये बातें अब छोड़ते हैं, आप लोग अब गेमिंग वीडियो ला रहे हैं तो गेम पे आप लोग आते हैं अपने। तो आप लोग अभी किस कहाँ पर है अभी, या शायद ये सिक्योरिटी रूम है, मतलब यहाँ पर ये बुड्ढा बैठ के यहाँ पर अपना नया रखता है, कैमरे वाले रूम है, तो यहाँ से आप लोग बाहर चलते हैं अपने, यहाँ पर कुछ नहीं था नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारे सामान जमा कर रहा हूँ, सामान जाके कंट्रोल रूम है कैमरा वाला, तो वहाँ पर मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, क्योंकि एक रीज़न है वहाँ पर रखने का, क्योंकि वहाँ पर बुड्ढे नहीं आ सकता।
अगर वो मतलब वो सीढ़ियों से चढ़ नहीं सकता, सीधी बात सिंपल भाषा में कहूँ, सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लेवल भी पार करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एक छोटी सी चीज़ चाहने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए कि वो छोटी चीज़ पा सकें। तो हमने इस बुड्ढे को बहुत परेशान भी किया है, खूब सारे हेडशॉट भी दिए हैं, तो होप आई होप आपको मज़ा भी आएगा ये हेडशॉट देखकर। चलो फिर चलते हैं अपन लोग भाइयों। ये चलने वाला मेरे डायलॉग भाई, उसमें थोड़ा खफा मत होना, क्योंकि मेरे चलने वाला डायलॉग सही है। और ये यहाँ पर ये इसका साथ पेट है, अब ये पेट को आप लोग चलो मार देते एक हाथ पार्टी से हेड, ये खत्म हो गया। चलो भाई क्या आप लोगों ने इसलिए आप लोगों ने मारा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट है हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर भी काम बहुत काम की, पर उससे पहले यहाँ पर अभी वो आ सकता है, क्या कहते हैं, अभी मैंने इसको मार दिया, ये चल रहा रहा बहुत, मतलब ये मरा हुआ जानवर बहुत जोर जोर से चल रहा है, तो वो अभी बुड्ढा भी आ रहा होगा, बुड्ढा भी आ रहा होगा। तो ये चाबी हेलीकॉप्टर की है, तो ये हमारे बहुत काम की है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकती हो भाई। ये मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को पहले शॉर्ट गन उठा लेनी चाहिए थी। आप क्या, ये बुड्ढा आया मार देगा, ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो आप लोग अगर जब खेलो तो ये मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको ये मार सकते हैं। तो मतलब पहले आप पहले इसके पेट है उसको पहले अच्छे से मार दीजिएगा, फिर और आप अपने पास जो भी आपके पास हथियार हो, मतलब वो इलेक्ट्रिकल गन होती है और ये शॉर्ट गन है, तो शॉर्ट गन आप अपने पास ही रखना। जब आप दोनों को मार दो तभी सामान उठा के आप कहीं जाना, तो ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक मुझे से बहुत बार भी हुई है, तो मैं अब समझ चुका हूँ कि अब ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। तो यहाँ पर भाई दोस्तों आप लोग, यहाँ पर तीन फ्लोर भी है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, तो ये तीनों फ्लोर में कुछ ना कुछ है। तो आप लोग देखो भाई सामने बड़े हुए, तो आप लोगों को संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको अप लोग इसे कुछ नहीं कर सकते। अपने पास दो हथियार होने चाहिए, इलेक्ट्रिक गन या फिर शॉर्ट गन, तभी आप लोग इसे कुछ कर सकते हैं, वरना आप लोग मार जाएंगे। और ये पीस ऑफ पिक्चर आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाई आप लोगों को तीन पीस ऑफ पिक्चर कलेक्ट करनी है, तीन पिक्चर और पीस कलेक्ट करने कर लेंगे आप लोग, तो आप लोग क्या ऊपर जाके हेलीकॉप्टर वाला डोर है उसमें क्या है, पिक्चर आप लोगों को तीन लगानी है, मतलब एक टाइप का पजल टाइप है पिक्चर, पजल, तो तीनों पिक्चर आप लोग लगा देंगे तभी डोर खुलेगा। और हाँ तो ठीक है, यहाँ पर ये कुछ कुआ था, यहाँ पर आप लोगों को कुछ है शायद वो रिंच, रिंच नाम की चीज़ होती है, तो रिंच आप लोगों को चाहिए, तो वो रिंच क्या आप लोगों को कुछ कुएं में कुछ कर देती है। अब ये क्या है भाई, शॉर्ट गन है शायद, शॉर्ट गन ही है, पर मैं नहीं उठा रहा भाई, जानवर आ जाएगा भाई, भाई भाई भागो 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 भागो, ये जानवर आ जाता है, मतलब ये आप लोग क्या मर गए हैं, तो इस आप लोग बताओ, शॉर्ट गन भी उधर ही रह गई है, बंदा कीड़ा भी आप लोग को मार रहा है, तो ये सार आप लोग बहुत समस्या फंस चुके हैं। तो जल्दी जाके शॉर्ट गन उठा के भाग ले भाई, जल्दी भाग, वो जल्दी उठा ले यार, ओए अभी कीड़ा आ जाएगा। चलो आप लोग कीड़ों को मार देते हैं, पर अभी आप लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि आप लोग पास बस एक ही एमओ है, अगर मान लो आप लोगों ने कीड़ों को मार भी दिया तो बड़ू आ जाएगा, खाली शॉर्ट गन से क्या उसके खोपड़े में देंगे, उससे तो मरेगा नहीं भाई, अपने ही मार जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए पहले एमओ कलेक्ट करने होंगे, जब इसके एमओ कलेक्ट होंगे तो एक एक एमओ में से आप लोग उस कीड़े को मार देंगे, जब वो चिल्लाएगा जोर जोर से रोएगा, अपने पापा दादा सबको बुलाएगा, तो बड़ू आ जाएगा, तो बड़ू आ जाएगा तो आप लोग उसको भी मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें सर्च भी करनी है। चलो भाई आप लोग डब्बे खोल लेते हैं, ये किचन है शायद उसका, तो किचन में डब्बा इसमें कुछ कुछ नहीं खाली था, तो आप लोग और कहीं चलते हैं, वो बाकी डब्बे भी रह गए हैं, तो उन्हें आप लोग बाद में खोलेंगे, तो अभी नहीं खोल रहे हम लोग। चलो भाई, ये चलो भाई का मैं ज़्यादा ही प्रयोग करता हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर दे रहा, क्योंकि मुझे अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, तो अभी मैं क्या नया नया स्टार्ट किया है तो मैं नहीं बोला हूँ, इसलिए चलो गेट क्लोज कर दे, क्योंकि अब बड़ा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर ये शॉर्ट गन के एमओ आप लोगों को मिल चुके हैं भाई, ये शॉर्ट गन रिफिल हो चुकी है, पूरी फुल हो चुकी है। चलो आप लोग भाई नीचे चलते हैं, वो आप लोग कीड़ों को मार देंगे, और फिर कीड़ों को मार के वो हेलीकॉप्टर की रखी थी बहुत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आप लोग फिर हेलीकॉप्टर चालू नहीं ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब एक टाइप से मान लो गाड़ी होती है, गाड़ी में आप लोग चाबी लगेंगे तभी तो इंजन चालू होता है, उसी प्रकार से ही है। अगर ये बड़ू मर गया तो आप लोगों को पिछली बार की तरह ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, बड़ू आ जाएगा, अब बड़ू आएगा आप लोग उसको मारेंगे, तब आप लोग बढ़िया, लो भाई पट्टी से हेडशॉट दे दिया है, क्योंकि डायनेमो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, फैन हूँ मैं उनका, और काफ़ी अच्छे हेडशॉट मैं भी उनसे देना सीख गया हूँ, पर ग्रैन ही में दे पाता हूँ भाई, और का इतने पीरो प्लेयर नहीं है हम लोग इतने। तो भाई तो आप लोग हेलीकॉप्टर ऊपर भाई अपना अपना सिक्योरिटी रूम, मतलब कंट्रोल रूम, भाई कैमरे लगे थे बहुत सारे, सीसीटीवी भी थे, तो उसी वाले रूम में आप लोग ऊपर चढ़ के उधर फेंक देंगे, और पर ऐसे ही आप लोग बहुत सारे सामान इकट्ठा कर लेंगे, फिर के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई सिक्योरिटी रूम में आप लोग पहुंच गए, चलो ऊपर चढ़ते हैं। क्या शुक्र शुक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम होता है यार, क्या करूँ, मेरे को कूलर पंखा चलाए बिना नींद नहीं आती है, क्या चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कि मेरी आदत है, इसलिए थोड़ा सा जुकाम भी है, तो ये चीज़ इग्नोर करना,
चलो चलते भाई दोस्तों, ये पीस ऑफ पिक्चर आप लोग, हाँ ये पीस ऑफ पिक्चर मैं आपको साथ बता चुका हूँ कि किस काम की है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो भाई आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पर फेंक देते हैं और चीज़ें, चलो भाई चलो फिर से नीचे चलते हैं और चीज़ें कलेक्ट भी करनी है आप लोगों को। अब ये मैंने इधर कुछ फेंका था पर वो अपने काम का नहीं है तो इसे इग्नोर करते हैं आप लोग। चलो भाई ये क्या है मेरे को नहीं पता, नहीं है वैसे खाली था। और ये यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉवर भी, तो इनको भी खोल के चेक करते हैं ये क्या है। कुछ नहीं खाली है इसमें, सोटन का एमोडर है, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, खाली सारे खाली है। मतलब इसमें बहुत अच्छे से खोजना पड़ता है तभी आपको चीज़ मिल पाएंगी वरना नहीं मिल पाएंगी आपको। अगर आपको पहले आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस मोड पे थोड़ा बहुत खेले इसको, प्रैक्टिस मोड पे आप खेलोगे तो आपको थोड़ा का मतलब वो लग जाएगा, आपको थोड़ा सा आदत हो जाएगी कि आपकी आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इसको स्केप करने के लिए। तो आप लोग खेलना चाहें तो आप खेल सकते भी, अच्छा गेम है पर आपको इससे पहले माइंड वाला गेम है तो एक चेतावनी है आपके लिए मेरे आप सभी को नहीं है, मतलब कुछ लोगों को है कमजोर दिमाग वाले इस गेम से दूर ही रहे और कमजोर दिल वाले भी, क्योंकि थोड़ा आप जब ईयर प्लग्स काम में डिपनिया बोले तो आप लोग कान में लगाने वाले यंत्र का जब आप प्रयोग करके इसे खेलेंगे ना तो आपकी, मैं वो बोला नहीं चाह रहा हूँ शब्द, तो मतलब आपको मतलब डर लगेगा बहुत ज्यादा चलो भाई तो फिर कब किधर जाना है, शॉटगन के आप लोग मैंने एमओ देखे थे शायद एक ही था उधर। चलो शॉटगन के एमओ जरूरी है क्योंकि आगे कुछ, चलो एक मिल गया पर आप लोगों को एक से काम नहीं चलेगा और चाहिए, क्योंकि अगर सामने अगर वो मतलब गोश्त मतलब अपना बड़ू बाबा आ गया तो उससे निपटने के लिए काम आएगा, नहीं तो आप लोगों से भागते फिरना होगा। चलो भाई चलते हैं फिर आप लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है अब ये सब लोग, ये यहाँ पर क्या है शायद सीक्रेट डोर है, मैं मुझे पता है क्योंकि मैं इसे बहुत बार खेल चुका हूँ इसलिए मुझे पता है सीक्रेट डोर है। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते रहिएगा और माइंड से माइंड में ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारी ये जो आप वीडियो देख रहे हो कि अभी तो आपको ये लेवल्स पार करने में आपको काफ़ी मदद करेगी, तो आप देखते रहिए और स्किप मत करना क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो थोड़ा इसमें छोटी छोटी सी जगहों पे काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट है आप मिस कर दोगे, तो समझ रहे हो स्किप करोगे तो मिस करोगे, यही यही डायलॉग है मेरा भी। तो यहाँ पर आप लोग चलते हैं सीक्रेट डोर से, शायद ये खुल सकता है, हाँ खुल गया चलो। हाँ तो ये हाँ ये कुछ ऊपर बेड के नीचे निशान आता है वो आप लोग बेड के नीचे भी लेट सकते हैं क्योंकि बड़ो आया तो पकड़ ले आपको पकड़ के मार देगा तो आप बेड के नीचे दबक जाएंगे तो उससे आपको देख नहीं पाएगा तो आप सेफ हो जाओगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग मैंने बोला था कि ये खाली रह गया अभी आप लोगों ने खोला नहीं है तो चेक करते हैं क्योंकि इनमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं जो आप लोग काफ़ी काम के हैं और हमें अभी काफ़ी चीज़ें चाहिए खोलने और चीज़ें। ये क्रोवार मिल गया, क्रोवार काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि पिछली बार मैंने ये गेम खेला था क्रोवार सबसे लास्ट में मिला था और ये क्रोवार की वजह से मैं गेम हार गया था। तो क्रोवार क्या है, नीचे कुछ बॉक्स रहते हैं सिक्योरिटी बॉक्स, वो मतलब लकड़ी के बॉक्स है छोटे से, वो क्रोवार से सिर्फ खुलते हैं और किसी से नहीं खुलते, तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ तो उन बॉक्स को खोलूँगा और देखते हैं उन बॉक्स में। हाँ ये बॉक्स है चलो इसको खोलते हैं भाई। ये क्या मिल रहा है, कटिंग प्लर, मतलब ये प्लास है, प्लास आप लोग बोलते हैं प्लास, प्लास को भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं भाई, कुछ बोलते होंगे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई से दूर दूर तक संबंध नहीं है मेरा अभी इतना क्या करूँ, वीडियो पे इतना ध्यान देना पड़ता है तो पढ़ाई भी कॉन्सेंट्रेट कम कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है चलो अब ये पढ़ाई लिखाई की बातें से दूर चलते हैं तो आप लोग इधर आ गए हैं आप लोग ऊपर वाले मतलब सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर मुझे पता नहीं है भाई, क्योंकि इसमें थर्ड फ्लोर तीन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और फिर लास्ट और चौथे वाले फ्लोर पे हेलीकॉप्टर रखा है, तो आज हम लोग हेलीकॉप्टर एस्केप करेंगे। देखा तो ये क्रोवार कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोगों को मिल गया था, क्या मिला था भाई मैं भूल गया हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना। लो भाई हो गया काम, मैंने बोला था कि बच के रहना है बड़ू, मैं कुछ ज्यादा ही घूम रहा था इधर उधर, बड़ू का भी ध्यान रखना था आप लोगों को, बड़ू कहीं भी आ जाता है, आपको सीक्रेटली ध्यान रखना है और आप कान में लगाने वाले यंत्रों का भी प्रयोग करिए करना कि आपके आप फुटस्टेप जो उसके आने की आवाज़ आपको अच्छे से दिखेगी। और ये प्लास्ट का अपन का काम है कि आप लोगों को वायर काटना है, शायद उसका वायर भी काटने हैं, मतलब हेलीकॉप्टर वाला रूम है तो उससे मतलब हम लोगों को इससे कुछ साधन मिलेगी क्या, भाई बड़ू आ रहा है और अपने पास कुछ हथियार भी नहीं है तो आप लोग इसे मार नहीं सकते, तो अभी आप लोगों को भागना ही पड़ेगा, आप लोग और कोई चारा नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर अपनों को कोई हथियार मिल जाए तो अभी वो लोग उसका सामना कर सकेंगे, नहीं तो तब तक भागना ही पड़ेगा। तो गेट बंद कर देते हैं क्या, वो यहाँ पर नहीं आ पाए इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो आप लोग वापस चलते हैं, मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर बहुत वैसे क्या कहते हैं अजीब अजीब से कमरे हैं तो भूल जाता हूँ, तो ये मेरी चीज़ माफ़ कर देना। ये पीस ऑफ पिक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बाद में उठाऊंगा, पर ये पीस ऑफ पिक्चर काफ़ी जरूरी है हमारे लिए क्योंकि वो हेलीकॉप्टर वाला डोर करेगा और इसमें इसमें हम हेलीकॉप्टर स्केप करेंगे, तो आप गौर से देखिएगा कैसे हम लोग स्केप कर रहे हैं।
स्किप कर रहे हैं तो ठीक है फिर। अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। चलो मैं आपको अभी कुछ बता रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे 2 रिलियन गेमिंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन बगल वाला दिख रहा है उसे ऑल पे सिलेक्ट करिए, और धन्यवाद। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारा काफ़ी हौसला बढ़ा देता है और हमें मतलब अच्छी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारी हिंदी कमज़ोर है तो मतलब उत्साहित करता है हम लोगों को। आपका एक लाइक सब्सक्राइब, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो दोस्तों चलते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को पीस ऑफ पिक्चर, यहाँ पर भाई कंट्रोल रूम में आप लोग जाएंगे। कंट्रोल रूम से ऊपर अभी यहाँ पीस ऑफ पिक्चर ऊपर फेंक देंगे, और नीचे गैसलीन का डब्बा भी डरा था, तो उसको भी आप लोग ऊपर लाना है, तो मत भूलिएगा। तो गैसलीन का डब्बा लाना है, सो मैं भूल गया था जब मैं खेल रहा था तब भूल गया था। इसलिए क्या मैं अगर आपको क्या मैं भूलना नहीं चाहता। जब मैं वीडियो पहले बना लेता हूँ, मतलब जब वीडियो बन जाती है तब मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए थोड़ी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, तो ये सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। और लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। क्या मैं पहले बोल चुका हूँ? सॉरी, अब नहीं बोलूँगा। तो बस एक ही बार बोलूँगा मैं लाइक एंड सब्सक्राइब का, बस बोल चुका हूँ वो पहले, तो मैं नहीं बोल रहा, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो ये टेबल है, टेबल आप लोगों को, हाँ, और दूसरी चीज़, आपको ये टेबल कुछ रखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें टेबल वगैरह, और इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आप ये गिरा दोगे तो आवाज़ होगी, आवाज़ होगी तो बड़ा हुआ जाएगा, आपका सर फोड़ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मुंह बाते रह जाओगे, बस यही काम है। तो फिर भाई फिर से ये अपडेट हो गए हैं, ये अपडेट, अब अपडेट बोले तो क्यों, क्योंकि आप लोग एक बार मर चुके बड़ों के हाथों। ये देखो डोर्स मतलब किचन वाले सारे बंद हो गए फिर से, तो लोगों ने फिर से खोले, क्योंकि एक बार आप लोग मर जाते तो ये फिर से अपडेट हो जाते, मतलब ये फिर से डोर लॉक हो जाते हैं उनमें, मतलब सारी चीज़ें मतलब जो जहाँ पर होती हैं वहाँ से फिर हटके अलग अलग जगह पहुँच जाती है, मतलब अपडेट होने का मतलब यही है मेरा। इसमें भी देख लेते हैं इसमें कुछ हो क्या, था मैंने देख नहीं पाया अभी, मैंने इग्नोर कर दिया इसको। अगर काम का होगा तो मैं उठा लूँगा। अभी शॉटगन हमारे काफ़ी काम का है, तो शॉटगन मैंने इधर सारा सामान मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। आप लोग चलते हैं। चलो भाई पीस ऑफ पिक्चर है ये, चलो आप लोग, मैंने बोला था हाँ इसमें लगाना, एक लग गया। यहाँ पर 3 आप लोगों को पीस ऑफ पिक्चर चाहिए, तो 3 आप लोगों को लगाना है। यहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया, पीस ऑफ पिक्चर उठा ही नहीं पा रहा मैं, दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं है, वो उठा लिया मैंने पीस ऑफ पिक्चर और लगा भी दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर बस आप लोगों को एक और चाहिए, तो अभी आप देखना अभी डोर खुल जाएगा पीस ऑफ पिक्चर की वजह से। पीस ऑफ पिक्चर को हिंदी में बोलते हैं, आप लोग नहीं पता हो तो, कुछ अज्ञानी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, पीस ऑफ पिक्चर होता है पेंटिंग का पीस, पेंटिंग का पीस मतलब पेंटिंग का टुकड़ा। चलो ठीक है फिर, चलो ये भी लगा दिया मैंने, लग गया। चलो भाई चलो अभी एक डोर खुल जाएगा, देखो खुल गया, पहले नहीं खुलता अगर आप लोग पीस ऑफ पिक्चर नहीं लगाते इतने सारे, तो अब ये गेट नहीं खुलता। और ये बगल में आप लोगों को शायद निशानेबाजी भी अभी करनी है, शॉटगन चलो उठा लेते, शॉटगन मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, तो ये अभी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉटगन, अभी बताऊंगा मैं क्यों। हाँ ये देख लो, यहाँ से आप लोगों को शॉटगन के एमओ मिलते जाएंगे, अपने आप आते रहेंगे, देखो कितने सारे इकट्ठे हो गए शॉटगन के एमओ। देखो भाई साहब भरमार लग गई यहाँ पर, तो आप लोगों को निशाने लगाने हैं सामने, अप डाउन अप डाउन। देखो आई भाई साहब डायनमो के चच्चा होंगे, डायनमो के चच्चा नहीं भाई, इतना अच्छा नहीं हूँ डायनमो के चच्चा, पर पहला ही शॉट में खत्म कर दिया, एक शॉट में 3 खत्म भाई साहब। और डोर खुल गया क्योंकि मैंने 3 शॉट लगा दिए, तो आपको ऐसे 3 शॉट लगाने पड़ेंगे अच्छे से, तभी ये अच्छे से खुल पाएगा। और आप लोगों को और चीज चाहिए शायद, क्या क्या चाहिए, स्पार्क प्लग। हाँ स्पार्क प्लग आप लोग लेंगे तो इंपॉर्टेंट है, स्पार्क प्लग हेलीकॉप्टर में लगेगा, जैसे कि आप लोग बाइक में स्पार्क प्लग मतलब आप लोग किक देते तो करंट सा कुछ जनरेट करता है, तो ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए वो जरूरी है करंट जनरेट करने के लिए। और मतलब ऐसे बहुत सारे पार्ट है, ग्लास फ्यूज भी आप लोग जरूरी है आप लोग, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब इतने सारे नाम मुझे याद नहीं रहते, बहुत सारी चीज़ें होती है, 10-12 चीज़ें होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति गैसलीन हो गया, अपना क्रोबार हो गया, और ग्लास फ्यूज, टैप, पेंटिंग पीस, शॉर्ट गन्स, मतलब और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इन सब चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। तो आप लोग भाई आप लोग मैं उस बड़ों का वेट कर रहा हूँ, क्या बड़ों का भी आएगा तो उसको शॉर्ट गन दे दूँगा, शॉर्ट गन दे दूंगा तो कुछ देर के लिए वो शांत हो जाएगा, तो आप लोग फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं शॉर्ट गन क्यों फटक रहा हूँ कि आपको अभी सुनाई दे रहा हूँ, खटखट आवाज़ हो रही है, और बड़ों का खटखट आवाज़ सुन के आ जाएगा तो आप लोग शॉर्ट गन दे देंगे, तो क्या एक दो मिनट के लिए आप लोगों को रेस्ट मिल जाएगा, फिर आप लोगों को टेंशन फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो आप लोग आराम से इधर उधर चीज़ खोजते रहेंगे, तो मतलब ये दिक्कत नहीं रहेगा कि आप लोग इस कमरे में जाएगा ना जाए तो बड़ू आगे करें, तो ये टेंशन से आप लोग मुक्त हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोग चलते हैं भाई इधर, बड़ू ढूंढते हैं भाई, बड़ू के आ नहीं रहा था तो मैं नीचे ही आ गया मैं उसको मारने के लिए, क्या कतई प्रो हो रहे हैं, इसलिए मैं उधर से मारने के लिए इधर आ गया हूँ। हाँ इस बार
इस बार ने एडिटिंग की कमी है, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो एडिटिंग करता है। इस बार मुझे एडिटिंग आती नहीं है भैया, सीधी बात है, हमें नूबड़ा प्लेयर, हम एडिटिंग नहीं आती, तो इस बार एडिटिंग की कमी रहेगी इस वीडियो में, तो माफ़ कर दीजिएगा। पर अगली वीडियो चिंता मत करिए, अगली वीडियो में एडिटिंग भरपूर मात्रा में और सारियाँ ही सारियाँ भरपूर मात्रा में होंगी, क्योंकि इस बार मैं सारियाँ कम दे रहा हूँ, क्योंकि इसे बहुत बड़ा वीडियो भी है, तो इसलिए सारियाँ इसमें नहीं दे रहा हूँ। आपका मनोरंजन भी करना है, फिर आपके सारी सारी सुनाता रहूंगा तो आप थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे, तो इसलिए मैं सारी नहीं सुना रहा हूँ। चलो भाई अपने काम पे आते हैं, सारी वारी छोड़ो। और मैंने काफ़ी वैलेंटाइन डे से याद आया कि इस बार भी सिंगल ही मरेंगे हम, तो भाई कुछ मतलब नहीं है, तो भाई ठीक है, वैलेंटाइन अपने दूर दूर का मतलब नहीं है भाई, क्या करना है अपन को वैलेंटाइन डे से, अपने क्या। चलो सारी अब सुनाई देते, माइंड में थोड़ा सा आ गया है सारी, वैलेंटाइन डे से करना ही अपने क्या है, वैलेंटाइन डे से अपने करना ही क्या है, 25 को हो जाएंगे, घर वाले कर देंगे अपना ब्याह, ठीक है, मज़ा नहीं आया होगा पता है, ऐसे ही माइंड से बना दी थी। चलो ठीक है आप लोग चलते हैं, मज़ा नहीं आता इतने बड़े शायरी नहीं कि भाई माइंड माइंड से लिखना पड़ता है तब बोलते, तब ये अच्छी लगती है ये चीज़ें, तो मैं आपको सारी अपनी मन की बातें शेयर कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि भाई मैंने अपने राज खोल दिए सारे, तो ठीक है ठीक है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है तो हमला। चलो भाई बड़ो आ गया है, अभी देखना 500 से 800 लोग खत्म, खल्लास भाई कतई प्रो रह रहे हैं, कतई पीरो प्लेयर, तो ये सब लोग रख दे टेबल पे मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि आप लोगों को टेबल याद है, क्योंकि अभी सेकंड फ्लोर पे आप लोग, सेकंड फ्लोर पे टेबल है तो टेबल पे आप लोग को आसानी मिल जाएगी। बड़ू मार दिया है, बड़ू बड़ू कितनी देर के लिए, शायद 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अभी सोता रहेगा, मतलब आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, तब तक आप लोग सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं तो फिर ठीक है भाई। और यहाँ पर काफ़ी शोर मर रहा है, लॉन्डे यहाँ पर बब्बर धर रहे हैं क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। चिंता मत करिए, अगर आप हमारे सहयोगी हैं तो गले में नारंग वो केसरी रंग की साफी और हाथ में यूकेलिप्टस का बम्बू लेके चलते हैं राउंड पे, आओ आओ दोस्तों वैलेंटाइन डे लोगों का मनाते हैं, और फिर कहेंगे आप लोग आई एम फ्रॉम बजरंग दल, आप अगर मैम बजरंग दल का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आ जाइए, मैं खुद बजरंग दल का मेंबर हूँ, मजाक कर रहा था, सीरियस मत लियो, बजरंग दल से अपना दूर दूर तक नाता नहीं है, हमारे फैमिली वाले कतई समझदार हैं, सीरियस बिल्कुल लेते ही नहीं कोई चीज़ है। चलो भाई अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी हम लोगों ने नए नए चालू किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपका एक लाइक हमें काफ़ी उत्साहित कर देता है और अच्छी वीडियो लाने के लिए, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है भाई, मैंने फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब का बोल दिया तो अगली बार नहीं बोलूंगा, तो लास्ट टाइम था। ओके चलो आप लोग चलते हैं, ड्रॉअर में देखते हैं कुछ नहीं है, शायद खाली होगा, देखा मेरे भाई साड़ी हमेशा सही निकलती है, क्योंकि आइए शायद छोटी मोटी चीज़ों पर जगह पर आप लोग ये चीज़ नहीं मिलती ऐसी। हाँ ये क्या चाहिए था, आप लोगों को सेफ की चाहिए इसको खोलने के लिए, शॉटगन के एमओ भी यहाँ पर डरे हैं, पर अब शॉटगन के एमओ का क्या करेंगे, वहाँ पर अब लोग अभी निशानेबाजी की थी भाई, यहाँ पर इतने शॉटगन के एमओ की भरमार लग गई थी, मैंने कहा भाई इतने शॉटगन के एमओ का क्या करूँगा, ये हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर का शायद वो है क्या कहते हैं मैनुअल, जैसे कि आप लोग होटल में आते हैं तो आप लोगों को पहले दे दिया मेनू, मेनू आपको क्या क्या खाना है, तो ऐसे ही मैनुअल है, मतलब हेलीकॉप्टर में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये क्या है यहाँ पर, ये स्पार्किंग बता नहीं था मुझे को, आपने कुछ काम का नहीं है, तो आप देखते रहिएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, वो अपने मतलब यहाँ पर तीन स्केप है, एक हेलीकॉप्टर, एक बोट स्केप और एक मैन डोर स्केप, तो इस बार हम लोग हेलीकॉप्टर स्केप कर रहे हैं, अगर आपका मन हो तो हम लोग वोट स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इस बार आपके हम लोगों ने 100 लाइक करा दिए तो हम लोग लाएंगे आपके लिए वोट स्किप, ठीक है, 100 लाइक कृपया लगा करवा दिए गया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आना चाहिए इस वीडियो पे, काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 100 लाख तो आ जाना चाहिए, तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। मैंने अभी बोला था मेरे को जुकाम है, तो सकुर सकुर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को तो फिर चलते भाई, ये फिर से सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं तो लोग फिर से इन चीज़ों को खोजना पड़ेगी, क्योंकि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल सकती है जो अपने काफ़ी काम की हैं, तो अब लोग और भी चीज़ें चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत सारा सामान अभी ऊपर रख दिया है, ऊपर रख दिया है, तो आप लोग और चीज़ें चाहिए तो ऊपर रख दिया आप लोगों ने बहुत सारा सामान, तो एक दो चीज़ें और चाहिए बस, तो अपना स्केप हो जाएगा हेलीकॉप्टर वाला, तो आप लोग हेलीकॉप्टर बढ़िया उड़ाएंगे और चिंता मत करो, हेलीकॉप्टर बहुत कतई प्रो वाले हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, मजाक कर रहा हूँ, हमारे फैमिली वाले हर चीज़ को सीरियस क्यों ले जाते हैं भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रही है। चलो भाई चलते हैं, ये आओ भाई ग्लास फ्यूज मिल गया आप लोगों को, पर अभी रुक जाओ, अभी बड़ो सामने आ रहा है इसलिए मैं उसको टपका दूँ, भाई शॉटगन की रेंज अच्छी है वाली, उसकी जो इलेक्ट्रिकल गन है इस मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा अच्छी नहीं है,
जब वो बड़ा पास आएगा तभी वो काम करती है, तो क्या पता, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज्यादा पास आ जाएगा तो आल सर फोड़ देगा, और सर ने क्या दूर से ही काम करा दी। तो आप लोग ग्लास पीजा भी मैं बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है। चलो हेलीकॉप्टर वाले कमरे में चलते हैं, क्योंकि मैंने सारे अभी यार हेलीकॉप्टर वाले कमरे के जितने भी काम थे सारे कर लिए हैं। अब ये लगा दिए, देखा ग्लास फ्यूज कितना काम का था। अब ग्लास फ्यूज, अब ये क्या है, इसमें क्या है, हैंड ग्रेनेड। भाई बम का मैं क्या करूंगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने और बाकी चीजें भी कलेक्ट कर ली हैं। हाँ तो आप लोगों को और चीजें चाहिए, डक्ट टेप। तो आप लोगों ने इस बड़ों को निपटा दिया है, आप लोगों को डक्ट टेप चाहिए। तो भाई देख लिया आप लोगों ने हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर ऐसा है भाई, काफी इंतजार करा दिया मैंने आपको हेलीकॉप्टर के लिए। तो ठीक है, आपने हेलीकॉप्टर देख लिया है रियल लाइफ में, अगर आपने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में देख लिया आपने हेलीकॉप्टर, क्योंकि भाई इतने अमीर हमें नहीं, हमने तो नहीं देखा है। तो आप लोग क्या हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें आप लोगों ने कलेक्ट की थी तो हेलीकॉप्टर वाले रूम में आप लोग रखते थे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल निष्प्रकार है भाई। क्यों निष्प्रकार, क्योंकि यहाँ पर बड़ो नहीं आ सकता बिल्कुल भी। तो आप लोग यहाँ पर अभी गैसलीन का डब्बा है, तो गैसलीन का डब्बे भी ले चलते हैं। आप लोग चमक रहा है, चलो ठीक है रख देते हैं। और आप लोगों को डक्ट टेप शायद मिल गया था, अपन शायद डक्ट टेप अभी मिल गया है कि नहीं, अभी मैं देखता हूँ, गौर करता हूँ। पहले आप लोग पेट्रोल भर देते हैं, अब पेट्रोल कहाँ से भरेंगे, साथ पीछे से भरेंगे। चलो फ्यूल, चलो भर रहा है, चलो ठीक है वेट करते हैं जब तक भर रहा है। तो फिर ठीक है, ये पहले ऑरेंज डंडी होगी, फिर येलो होगी, फिर ग्रीन होगी, मतलब ग्रीन तक पूरा भर जाएगा। तो ठीक है, अब येलो हो रहा है, अभी ग्रीन भी होना स्टार्ट हो गया, जैसे फुल हो जाएगा तो अपना मतलब पेट्रोल भर गया। चलो अपना पेट्रोल भर गया, अभी गैसलीन के डब्बे की अपन कोई जरूरत नहीं, तो आप लोग इसे फेंक देते हैं। चलो चलो दोस्तों इसे फेंक जाए यार, चलो अभी कुछ ज़रूरत है क्या इसकी। चलो रुको रुको, ये क्या है, हैंड ऑफ व्हील, हैंड ऑफ व्हील है ये। चलो अभी शायद आप लोगों को डक्ट टेप की ज़रूरत है, तो डक्ट टेप लेने चलते हैं, क्योंकि टेप क्या वो पंखुड़िया टूटी हुई है उसकी हेलीकॉप्टर की, तो पंखुड़िया आप लोगों को जोड़नी है। पंखुड़िया बोले क्या बोले आपको, अगर इंग्लिश में पंखुड़िया का मीन्स पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना पंखुड़िया का मतलब, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी वीक हूँ, हिंदी में भी वीक हूँ। आप पूछ रहे होंगे तो पढ़ाई में तो करता क्या है भाई, मैं वीडियो बनाने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो ठीक है, हंसी मजाक बुक को काफी हो गया है। तो आप लोग तो अपने काम पे आते हैं, डक्ट टेप पहले यहाँ से कोर से देखना होगा, अगर बड़ो नीचे हुआ कंट्रोल रूम में तो अपना चांस खराब हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं, रास्ता भी साफ है। चलो ठीक है, आप लोग डक्ट टेप शायद मैंने कहाँ फेंका था, ये शॉर्ट गन उठा देते हैं, शॉर्ट गन उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, चलो उठा लेते हैं। क्या अभी बड़ो आ जाएगा, तो कोई शॉर्ट गन का एमओ तो है नहीं, आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट गन का एमओ आप लोगों को काफी चाहिए। तो ये क्या है, ये डक्ट टेप है भाई, हाँ शायद डक्ट टेप ही है। हाँ भाई, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, अभी अपना बस इसके होने वाला है, तो सब्र रखिए, बस डक्ट टेप आप लोग जैसे चिपकाएंगे तो ये अपना हेलीकॉप्टर से फुर फुर हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग इसे यूज करते हैं, बस अब मुझे इसमें चीज खोजनी पड़ेगी कहाँ यूज होगा। हाँ देखो, पंखुड़ी टेढ़ी थी, लोगे टेढ़ी थी, सीधी कर दी पंखुड़िया। अब क्या है ये, गैसलीन आप लोग लगा चुके, कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक है छोड़ो इसे। हाँ ये हेलीकॉप्टर की, अभी हेलीकॉप्टर की से आप लोग अंदर हेलीकॉप्टर, हाँ रुक जा, इसका कोई काम है इसका शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं, ये बोर्ड का पार्ट मैं गलती से लाया हूँ, तो कुछ नहीं, अब आप लोगों को बस बैठना है। अब लोग बैठते हैं, चलो दोस्तों क्या वैसे, हाँ निशान आ गया बैठने का, चलो बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है, और खट खट की आवाज़ हो रही है, और ये फटाक से इसके पहुंचे का, ये तो बड़ो सामने आ गया है, आप देख रहा है। चाहूँगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, काफ़ी अच्छी।